अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत हेल्दी और टेस्टी बनने वाला मीठा दलीम, या मोटा दलिया भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन मैं साबुत गेहूं के साथ बनाऊंगी जो स्पेशली मुहर्रम पे बनता है। बाकी दिनों में भी आप इसको बनाएंगे तो बहुत हेल्दी है, अपने बच्चों को दीजिए नाश्ते में। हाई फाइबर है, बहुत रिच है। ये देखिए, ये छिलका उतरे हुए जो गेहूँ आते हैं दलीम वगैरह में हम लेते हैं, बस ये वही है। एक कटोरी मैंने इनको ओवरनाइट भिगोया था और अच्छे से धो लिया है। एक कटोरी मैंने यहाँ पर खोया लिया है, देखिए ऑप्शनल है, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत रिच लुक आएगा, टेस्ट भी इसका बढ़ेगा। चीनी ली है आधी कटोरी से कुछ ऊपर है, पिस्ते और काजू बादाम मैंने कट किए हैं थोड़े से, और एक लीटर मैंने दूध लिया है। दूध यहाँ पर मैंने फुल क्रीम लिया है, और अभी पूरा 1 किलो हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि जब हम गेहूँ इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये बहुत उबलता है, पूरा कुकर पूरा गैस हमारा ख़राब हो जाता है। और बाकी हम बाद में, ये पहले गेहूँ गलाएंगे अपने दूध के साथ में, और बाकी जितनी ज़रूरत होगी उतना हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। दूध हमारा पहले से बॉयल था, हमने इसके अंदर जो गेहूँ हैं वो ऐड कर दिए हैं इसीलिए। और अगर आपका कच्चा है तो पहले इसके अंदर बॉयल लगा लीजिए। ये 4 हरी इलायची है, इनका मुँह खोल दिया है हमने, इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। और जब इसके अंदर एक बॉईल आ जाएगा, 5-1 मिनट में इसे खुला पकाऊंगी, उसके बाद 1-2 विजिल लगाने के बाद 15 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं अपने जो गेहूँ हैं पूरे गला लूँगी। मैंने इसमें जो है सीटी लगा के और रिलीज़ होने के लिए छोड़ दिया था। देखिए हमारे जो गेहूँ हैं बिल्कुल घुल चुके हैं, गल चुके हैं, और इसका दूध का भी हमारा कलर चेंज हो गया, जैसे खूब पकने के बाद हो जाते हैं। और अब हम इसमें फटाफट से अपनी चीनी वगैरह डालते हैं, बाकी दूध मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और चीनी और अपना ये खोया इसके साथ मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी, कम से कम 10-15 मिनट, ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और इसके अंदर जो क्रीमी सा नया, और ये हमारा जो खोया हमने डाला है सब इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट निकल के आएगा। इसको खुला अब हम पकाएंगे। ये 3 चम्मच मैंने ओट्स लिए हैं इसको और ज़्यादा रिच और हेल्दी बनाने के लिए, और इसके अंदर क्रीमनेस भी बहुत अच्छा आ जाएगा। आपके पास है डाल दीजिए, ऑप्शनल है, लेकिन अगर है तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इसकी ताकत को ये डबल कर देगा। और अब हम इसके साथ फ्राई करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। देखिए हाई फाइबर, प्रोटीन और आयरन से भरा हमारा यह भरपूर बहुत रिच मीठा दलीम बनके रेडी है। अब मैं अपनी जो फ्लेम है उसको ऑफ कर दूंगी, क्योंकि रखने के बाद ये बहुत ठीक हो जाता है। और अब चलते हैं ड्राई फ्रूट्स की तरफ। यहाँ मैं सबसे पहले डालूंगी थोड़ा सा देसी घी, 2-3 चम्मच, और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर कट किए हैं वो डाल देंगे, और इनको हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है इसके अंदर। इससे ऐसा करने से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट भी हमारा इनहेंस होगा। देखिए हमारा जो ड्राई फ्रूट्स का कलर है चेंज हो चुका है, बस यहाँ अपनी जो फ्लेम है ऑफ कर देंगे, और ये गर्मा गर्म ही हमें उसके अंदर डालने हैं, इसकी जो स्मेल है बहुत अच्छी आएगी उसके अंदर। गर्मा गर्म ही हमें अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसके अंदर डालने हैं, इससे जो है खुशबू ऐसी आती है जैसे हमने देसी घी का इसके अंदर तड़का लगाया हो भंगार, और बहुत रबड़ी जैसा हमारा ये दलीम बन के रेडी हुआ था। हमने ओट्स अपने बच्चों को इसके अंदर छुपा के खिला सकते हैं जो खाते नहीं हैं, और कोलेस्ट्रॉल की जिनको प्रॉब्लम है वो भी ओट्स खाएंगे तो बहुत फ़ायदा करते हैं सभी को। ये देखिए बिल्कुल कितना क्रीमी और रबड़ी जैसा हमारा ये दलीम बन के रेडी हुआ था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है प्लीज़ बताइएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।